प्रेरणा कथा जो करो वो भुगतो। एक शहर में एक बहुत ही सफल व्यापारी रहता था। जब उसका पुत्र व्यापार संभालने के योग्य हो गया, पिता ने अपना सारा व्यापार उस पुत्र को दे दिया। दुर्भाग्यवश उसके पुत्र ने उसकी सारी संपत्ति को डुबा दिया और वो कंगाल हो गया। पुत्र ने विदेश जाकर व्यापार करने की सोची। उसके पास एक बहुत पुराना पर बहुत महंगा तराजू था। वो तराजू 20 किलो का था। उसने अपना तराजू एक सेठ के पास गिरवी रख दिया और कुछ पैसे ले लिए। वो व्यापार करने के लिए विदेश चला गया। उसने कई देशों का भ्रमण किया और व्यापार करके खूब धन कमाया। कुछ वर्षों बाद उसने वापस आकर सेठ से अपना बहुमूल्य तराजू वापस मांगा। सेठ वो तराजू वापस नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसका मन बेईमान हो गया था। उसने कहा, तुम्हारे तराजू को तो चूहे खा गए हैं। व्यापारी के पुत्र ने कहा, चलो कोई बात नहीं, अब चूहों से तो मैं वो तराजू मांग नहीं सकता। सेठ बहुत खुश हुआ कि व्यापारी का पुत्र इतनी आसानी से उसकी बात को सच मान लिया। उसने व्यापारी के पुत्र को चाय नाश्ता कराया और सेवा की। तभी पुत्र ने कहा, सेठ जी, मैं नदी पर नहाने जा रहा हूं, मैं अकेला हूं, क्या आप अपने पुत्र को मेरे साथ भेजेंगे? सेठ तो अभी भी तराजू हड़प कर जाने की खुशी में ओत प्रोत था। उसने अपने पुत्र को नदी में जाने की अनुमति दे दी। नदी में स्नान करने के बाद व्यापारी के पुत्र ने सेठ के पुत्र को एक गुफा में बंद कर दिया और अकेला ही सेठ के पास आ गया। सेठ ने कहा, मेरा पुत्र आपके साथ नहीं है, वो कहाँ है? व्यापारी के पुत्र ने कहा, आपके पुत्र को तो एक बाज उठा कर ले गया, मैं कुछ भी नहीं कर सका। सेठ को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, तुमने मेरे पुत्र का अपहरण किया है। सेठ व्यापारी के पुत्र को साथ लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा ने पूछा, सेठ जी का पुत्र कहाँ है? व्यापारी के पुत्र ने कहा, महाराज, उसको तो एक बाज उठा कर ले गया। राजा ने कहा, एक बाज उसको कैसे ले जा सकता है? सेठ जी का पुत्र जवान था, एक बाज उसको कैसे उठा सकता है? व्यापारी के पुत्र ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, जब मेरे 20 किलो के तराजू को चूहे खा सकते हैं, तो एक बाज एक जवान लड़के को नहीं ले जा सकता। राजा को शक होने लगा। राजा ने सेठ से कड़ाई से पूछा। सेठ ने अपना अपराध स्वीकार किया और कहा, महाराज, मैं तराजू हड़प करना चाहता था, इसीलिए मैंने झूठ बोल दिया था। सेठ ने व्यापारी के पुत्र को उसका तराजू दे दिया। उसका पुत्र भी उसको वापस मिल गया। मित्रों, लोभ इंसान को अंधा और मूर्ख बना देता है। लोभ के चलते मनुष्य अपना विवेक खो देता है। एक बात तो स्पष्ट है, मनुष्य जैसा करता है वैसा ही उसको भोगना भी पड़ता है। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।